हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 अगस्त और शाम के हो रहे हैं 6 बज रहे हैं। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन सर आ गए हैं इनके, और मैं चल रही हूँ किचन में। सोची कि अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, किचन में चाय वाय बनाऊँगी, उसके बाद जो रात के खाने की तैयारी है वो करूँगी। और आज मैं बना रही हूँ टूटी फ्रूटी चेरी, आप जिसे बोलते होंगे। वो कलरफुल नहीं होता, छोटा छोटा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। खाने में क्या, वो बहुत यूज़ में आता है। जैसे केक बनाओ, वनीला एसेंस का केक है, या फिर शेक है, या फिर लस्सी है, कुछ भी डाल दो, कलरफुल एकदम, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। मैं बना के ही घर में स्टोर करके रखती हूँ, पर अभी ख़त्म हो गया है। और वनीला एसेंस का केक सोच रही थी एक दिन बनाने के लिए, और बच्चे हैं कि मैं बोली कि बाहर से खरीदने से अच्छा ही घर ही बना लेती हूँ, और आपको कुछ साथ शेयर भी करूँगी। पपीता मेरे पास कच्चा था, सब वो तो बहुत चीज़ों से बनता है, पर मैं पपीता से ही बनाती हूँ और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैं आज बनाऊंगी एक चीज़ और, आज नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी तो कल ही उसको, पर मैं आटा आज गूंथ के रखूंगी। वो जो मैं मीठा ठेकुआ बना रही हूँ, एक मलपुआ नहीं होता है वो, क्योंकि वो बहुत गीला सा होता है, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत कम तेल में बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए देखिए, मैंने एक पपीता ले लिया है, छील लिया है इसे, ये 1/2 kg का पपीता है, और इसे बारीक काटते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं कैसे काटती हूँ इसे, अपने हिसाब से काटना है क्योंकि चेरी छोटा छोटा होता है, और मैं ऐसे ही काटती हूँ, मुझे आदत हो गई है काटते काटते। चॉपिंग बोर्ड पे रख के काटना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये सब जो है ना, ये सब छील लेते हैं इसको, या फिर चाकू से, या फिर किसी भी चम्मच से, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने इसे छील लिया है, अब इसमें बीच में, अगर ये इतना पतला है तो 2 मैं लगा रही हूँ चीरा ऐसे, अगर इसे बिल्कुल ऐसे ही काटना है, सारे पपीते को ऐसे ही काट लेते हैं। ये देखिए मैंने काट लिया है पपीते को, अब इसका प्रोसेस मैं करूँगी। अभी पहले मैं मेट जाने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ उससे आटा गुथवा लूँ। वो जो देखिए गुनगुन गुनगुन हेलो कर दो, हेलो। वो जो ठिकुए के लिए मैं बोली थी ना, तो वो बहुत अच्छे से गूंथ देती है, मेरे से होता नहीं है। होता क्यों नहीं है, बोलती है भाभी मैं कर देती हूँ, मैं बोली चलो कर दो। तो पहले उससे गुथवा लेती हूँ, उसके बाद इसका प्रोसेस करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज का खाना भाभी बना रही हैं, मैं बोली कि वो ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली कुदरून होता है उसका, मतलब सब्जी बना रही है और रोटी। तो भाई बोली कि नहीं रहने दो, रिकॉर्ड मत करो। बोले चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और तो फिर चलिए अभी आप लोग से शेयर करती हूँ कैसे उसका आटा गूंथता है, और उसको कैसे रखते हैं, क्या करते हैं। तो पहले मैंने गैस पे एक पैन रख दिया, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, और उतना ही पानी इसमें डालना है जितने में ये भींग जाए अच्छे से। तो मैंने लिया है 2 ग्लास पानी, बड़े वाले, मतलब ग्लास से थोड़ा सा कम, और इसको बॉयल इसे हो जाए, उसके बाद मैं इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद इसमें इस पपीते को डालूंगी। ये देखिए पानी बॉयल हो रहा है, इसमें मैं इसको डालूंगी, और इसे पकाना नहीं है, मतलब 2-3 बार पानी में उबाल आ जाए, उसके बाद इसे बंद कर देना है गैस को, और किसी छन्नी में इसे छान लेना है। 2-3 बार उबल जाए, इसे ढक देती हूँ ताकि आराम से उबल जाए। देखिए इस पानी में उबाल आ गया है, और ये थोड़ा सा नरम हो गया है, मतलब मुरझा गया है। एक बार मैं इसे ट्राई कर लेती हूँ, 1-2 बार और उबाल आ जाए कम से कम, और मैंने आँच को तेज ही रखा है, कम से कम 2-3 मिनट, 2 से 3 मिनट बाद मैं इसे बंद कर दूंगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ, उसके बाद इसे एक छन्नी में छान लेती हूँ और ठंडे पानी से आराम से धो देती हूँ इसको। अब फिर से वही पैन मैंने लिया है, और इससे 1 कटोरी चीनी, मतलब वो 500 ग्राम का पपीता था, तो 250 ग्राम मतलब चीनी डालना है। ये ज़्यादा थोड़ा चीनी है, मैं इसमें थोड़ा सा बचाऊँगी,
इतना मैंने बचा लिया है, 250 ग्राम है चीनी ये, और उसमें उतना ही पानी डालूंगी जितना मैंने चीनी लिया है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। देखिए एक कटोरी पानी, बस इसमें अच्छे से वह उबाल आ जाए, 2-3 बार उबल जाए, उसके बाद ही पपीते को मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया है, जो चीनी मैंने डाला था और इसको मैंने छान लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी इसे और तब तक पकाऊंगी जब तक ये मुरझा ना जाए। तो इसका पहचानने का यही है कि ये एकदम अच्छे से मुरझा जाए ताकि ये हो जाए। ये देखिए ये एक बार इसे हाथ से दबा के देख लेते हैं ये हुआ है कि नहीं, बस 2-3 मिनट। और मेरे पास देखिए ये फूड कलर है अजंता का, एक ग्रीन है और ये है, और ये 3 कलर में मैं इसे डाल रही हूँ। 3 ठो कांच की कटोरी मैंने ली है देखिए, और तीनों में थोड़ा थोड़ा कलर डालूंगी। और इसी चाशनी में से थोड़ा सा चाशनी डाल के इसमें और फूड कलर तीनों में पहले मिक्स कर लूंगी 1-1 चम्मच। फूड कलर 1 चम्मच नहीं, ये चाशनी 1 चम्मच, फूड कलर एकदम जरा सा ताकि कलर इसका आ जाए। ये तैयार हो गया है, इसे बंद कर देते हैं गैस बंद करके और थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद जो मैंने ये तीनों कलर डाले हैं कटोरी में, तीनों में इसको डालूंगी। पहले इसको बंद कर देती हूँ गैस को और थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ, कम से कम 5 मिनट। चलिए इसे बराबर बराबर में डाल देती हूँ। टूटी फ्रूटी का काम बीच में छोड़ के मुझे आना पड़ा था बाहर, क्योंकि यहाँ पैर में आलता लगाने के लिए आई थी, और इसी में थोड़ी देर बैठ गई, हम लोग चाय पीने लगे और काफ़ी लेट हो गया था मेरा काम। क्योंकि हमारे यहाँ सप्तमी की पूजा होती है तो ये लोग पैर में आलता पहले ही लगा देते हैं, और सारे लोगों माँ बोली कि आ जाओ आलता लगवा, तो मैं बोली कि हाँ चलो आई हूँ, तो थोड़ी देर बैठ ही जाते हैं, काम तो डेली लगा ही रहता है। ये देखिए वो जो कल मैं बनाई थी ना चेरी, अभी दिखाती हूँ कैसा बना है ये। ये देखिए मैंने चाशनी निकाल दिया है इसका, और इस तरह के चाली के बर्तन में रात भर इसे रखा है, और इसे आज पूरी दोपहर धूप में सुखाऊंगी और ये एकदम ठीक हो जाएगा सूखने के बाद। तो ये मेरा चेरी रेडी हो गया है, तो सूखने के बाद इसे 8 डब्बे में रख के फ्रिज में रख देना है। और यहाँ पे मैं सुबह में किचन में आई हूँ, मैं आलू बैंगन की सूखी सब्जी बना रही हूँ। सिंपल तरीके से सब्जी मैंने काट ली है और कढ़ाई में तेल डाल के पचफोरन और हरी मिर्ची और 1 प्याज डाल रही हूँ। और जो भी सूखे मसाले हैं मैं उसे यूज़ करूँगी, हल्दी नमक धनिया और जीरा और 1 प्याज डाल दी है। तब तक भाभी भी उठ के आ गई हैं किचन में। कल रात को जो मैंने आटा गुथवाया था उसका बहुत अच्छे से वो फूल के तैयार हो गया। उसका प्रोसेस बस यही है कि कॉटन का कपड़ा को अच्छी तरह से गीला कर लीजिए और एक कटोरी में पानी लेके ऊपर से पानी लगाइए, उसके बाद थोड़ा सा इस पर रब कर दीजिए, उसके बाद हाथ से इसके गोल करके और हाथ से ही इसे फैलाना है, उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म रहे उसके बाद उसे छान देना है। बस सिंपल तरीके से ये बनता है, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। We'll be right back.
बरसात हो रहा है, बच्चों के जाने के बाद ऐसा लगता है ना कि जहाँ हो वहीं पे सो जाओ, उठने का मन ही नहीं करता है। सुबह सुबह एकदम अजीब सी एकदम आलस हुई रहती है, इसीलिए मैं पता है नाश्ता में थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही सब्जी वब्जी बना देती हूँ कि फिर से नहीं बनाना पड़े। नाश्ता में खाना तो बनाना ही पड़ता है। और ये वीडियो कल से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, आज मैं सुबह सुबह ही इस वीडियो का एंड करूँगी। और ये किचन में है, चाय बना रहे हैं अपने लिए, हाँ वो सब लोग चाय पी लिए हैं, बच्चे जा चुके हैं और घूम घूम गई है उन लोगों को छोड़ने के लिए, हालांकि उसको भी जाना है। मैं कल उससे बोली थी कि तुम थोड़ा जल्दी उठ जाना वरना मम्मी नहीं उठाने वाली, कल सोने के चक्कर में उसका बस छूट गया था, तो आज खुद ही उठ गई है 6:30 बजे। बोली मम्मी लेट तो नहीं हुई ना, बोली यही होती है जिम्मेदारी, बोल के डालो तो सोखी उठ ही जाती है, गई है बड़े पापा के साथ छोड़ने। तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।